हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ्स पाठशाला आज इस वीडियो में हम लोग वेक्टर एंड थ्री ज्योमेट्री का लेक्चर सेवन स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग मेनली क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट के के बारे बारे में में पढ़ेंगे तो सबसे पहले डेफिनेशन उसकी देखते हैं क्या है तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर ए एंड बी इज अ वेक्टर क्वान्टिटी पहली बात तो हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो एक वैक्टर क्वान्टिटी आएगा एंड इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एंड कैप तो जिसको वेक्टर क्वांटिटी बना रहा है बेसिकली वो कौन बना रहा है ये एन कैप या कैप जो भी आप इसको बोलना चाहो बोल सकते हो है ना तो ये एन कैप होता क्या है एक ये ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है मतलब जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है बेसिकली उसका डायरेक्शन किस तरीके से होता है एक ऐसा वेक्टर जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है और ऑब्वियसली थीटा यहां पर क्या है थीटा यहाँ पर एंगल बिटवीन वेक्टर्स है ठीक है तो जैसा कि लिखा हुआ देखो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड इट फॉलोज राइट हैंड थंब रूल मतलब क्या है देखो कि सपोज कर लो ये जो स्क्रीन है ये एक प्लेन है और इसमें दो वेक्टर है एक वेक्टर ए है और एक कुछ वेक्टर बी है इस तरीके से ठीक दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी तो जब ए क्रॉस बी लोगे आप तो मतलब राइट हैंड रूल मतलब कि आपको अपना राइट right हैंड इस्तेमाल करना है और ए से बी की तरफ जाना है और जो थम का डायरेक्शन होगा वो आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताएगा ना तो ये ए वैक्टर से बी वैक्टर जाओगे और जो थम का डायरेक्शन होगा वो आपको क्या बताएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और ऐसे ही बी से ए जाओगे तो जो थम्ब है वो अंदर की तरफ आएगी तो जैसे यहां पर हमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है तो हम ए से बी जाएंगे और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो ये वेक्टर आएगा यूनिट वेक्टर वो बेसिकली हमें एन कैप का डायरेक्शन देगा तो बेसिकली ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी को कंटेन कर रही प्लेन के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है ठीक है कि नहीं एकदम क्लियर है कि नहीं और जैसा कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर ए से बी जा रहे हैं तो ये ए क्रॉस बी इधर की तरफ आएगा लेकिन अगर बी से ए जा रहे हो बी क्रॉस ए कैलकुलेट करते तो वक्त पहला वेक्टर बी है B से A जा रहे हो तो B क्रॉस इधर आएगा तो A क्रॉस B और B क्रॉस A का जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा वो डायरेक्शन ऑपोजिट आएगा ठीक है तो एक एब मतलब एक प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा होगा और एक प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा होगा ठीक और बाकी तो मेरे ख्याल से इसमें अभी तक की चीजें आपको ऑब्वियसली क्लियर होंगी तो अब इसमें कुछ हम लोग इसकी पॉइंट लिख लेते हैं तो जैसे सबसे पहला पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि जो ए क्रॉस बी है वो कैसी क्वांटिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ठीक क्लियर उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा वो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होगा कैसे देखो सिंपल बात है कि ए क्रॉस बी अभी अभी हम लोग देखते हैं किसके बराबर है ए क्रॉस बी बराबर है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप ठीक दोनों तरफ हम लोग ने मॉड ले लिया वेक्टर वाला मॉड तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप का मॉड तो अब देखो ये दोनों तो मॉड से डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे क्योंकि मॉड के बाहर आप पॉजिटिव क्वांटिटी तो बिना किसी संकोच के लाई सकते हो तो ये तो अलग हो गए तो मॉड ए मॉड बी तो बाहर आ गया मतलब मॉड ऑफ मॉड ए आएगा तो उसको मॉडे लिख लिया मॉड ऑफ मॉड भी आएगा उसको मॉड भी लिख लिया और क्या आया मॉड ऑफ साइन थीटा और मॉड ऑफ एन कैप आया ठीक तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है definition में लिखा हुआ है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी अब बचा केवल आपके पास मॉड ए मॉड बी साइन थीटा अब जरा ये सोचो सॉरी मॉड थीटा जो वेक्टर के बीच का एंगल होता है वो थीटा है और हमें पता है कि वेक्टर के बीच का एंगल जो थीटा होता है वो जीरो से पाई होता है होता है कि नहीं होता है जब वेक्टर के बीच से पाई होता है तो जीरो से पाई में साइन थीटा कभी नेगेटिव तो होता नहीं है। तो जब जीरो से पाई में साइन थीटा कभी थीटा को सीधे -सीधे क्या लिख सकते हैं क्रॉस बी का मॉड क्या होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा ना सिंपल सी बात थी, ये मैं ना भी एक्सप्लेन करता तो आपको क्लियर होती लेकिन हम लोग ने एकदम इसको क्लियरली समझ लिया कि क्यों यहाँ पर साइन थीटा के साथ मॉड नहीं है क्यों क्योंकि जीरो से पाई में

इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जीरो होगा क्योंकि एंगल जीरो होगा तो साइन जीरो पाई हो जाएगा तो साइन पाई भी कितना हो हो जाएगा जाएगा तो अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है तो तो या दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो होगा या फिर उन वेक्टर्स के बीच का एंगल जीरो या पाई होगा या कंबाइंड फॉर्म में बोले तो वो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं आपके सामने कभी भी किसी क्वेश्चन में दो नॉन जीरो वेक्टर है और उनके बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट है यानी कि ए क्रॉस बी है वो जीरो आ रहा है तो तुरंत आपको ये समझ में आ जाएगा कि ए और बी ठीक और जैसे ही आपको ये पता चला कि ए और बी पैरेलल वेक्टर है तो तुरंत आपको एक और चीज पता चल गई जो हम लोग ने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था उसकी मदद से कि फिर हम ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर तो कभी भी एक क्रॉस बी जीरो दिया हो दो नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो वेक्टर ए होगा वो लैमडा टाइम्स बी वेक्टर होगा ठीक चलो तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखें अगर कि फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स ए ए ए एंड बी 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 इफ क्रॉस इज इज टू टू जीरो देन मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है पॉइंट ऑलरेडी तो इस पर अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है उसके बाद ये जो हम लोग ने ए क्रॉस बी लिखा था ए क्रॉस बी हम लोग ने किसके बराबर लिखा था ए क्रॉस बी हम लोग ने लिखा था मॉड ए मॉडबी साइन थीटा एन कैप और ये एन कैप बेसिकली क्या था एक यूनिट वेक्टर था तो एन कैप कभी किसी क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना हो तो बेसिकली ये क्या होता है एक तरीके से ये एन कैप का मॉड्यूलस होता है ठीक ये मॉड्यूलस होता है और उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मतलब ए क्रॉस बी का इनफैक्ट मॉड्यूलस होता है ये मॉडे मॉडबी साइन थीटा और ये उसका डायरेक्शन होता है ना तो जो एक क्रॉस बी की डेफिनेशन है इसमें ये मैग्नीट्यूड का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में तो कभी आपको ये निकालना हो कैप N कैप N को क्या बोलोगे क्रॉस अपॉन मॉड बी साइन थीटा और मॉड ए मॉड बी साइन थीटा क्या होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है तो ये इतना ना भी एक्सप्लेन किया जाए तब भी आपको क्लियर है कि एन कैप अगर निकालना है एक क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो सीधे सीधे एक क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे सिर्फ यही तरीका नहीं है अपने पास एक क्रॉस बी कैलकुलेट करने का जैसे डॉट प्रोडक्ट में दूसरा तरीका था ना आई कैप जे कैप कैप जब इन्वॉल्व हो जाते थे वैसे ही अभी क्रॉस प्रोडक्ट में भी है तो जब भी एक क्रॉस बी वाला एन कैप निकालना हो तो एक क्रॉस बी निकालो और फिर उसी के मॉड्यूलर से डिवाइड कर दो जैसा यूनिट वेक्टर बनाते वक्त किया जाता है तो अपने पास एन कैप आ जाएगा ठीक चलो फिर उसके बाद ये पॉइंट तो मेरे ख्याल से हम लोग ने शुरुआत में ही समझ लिया था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होंगे एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे है ना तो देखो हमें अभी तक ए क्रॉस बी के बारे में ठीक ठाक बातें पता चल चुकी हैं और जो सबसे पहली बात थी वो क्या थी कि अगर ए और बी एक प्लेन में है तो एक क्रॉस बी मतलब दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होंगे ये तो हम लोग ने समझा भी था थोड़ा बहुत तो ए और बी वेक्टर कोई दो वेक्टर हैं आपके पास तो इनके परपेंडिकुलर होगा कौन सा वेक्टर ए क्रॉस बी है ना ए क्रॉस बी हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर आने वाला है ठीक तो अगले पॉइंट ने इसी बात को यूज किया है कि बोला गया है कि वेक्टर और बी वेक्टर मान लो इस प्लेन में है अपनी न, यही जो आपकी स्क्रीन वाली प्लेन है उसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों रिसाइड कर रहे हैं तो इस प्लेन के हमें परपेंडिकुलर एक वेक्टर लिखना है तो हमें पता है कि ए क्रॉस बी जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है तो इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा फिर तो या तो डायरेक्शन ऐसे होगा और या फिर डायरेक्शन आप नीचे की तरफ भी बना सकते हो तो ऊपर की तरफ एक तरीके से अगर हम लोग बोले तो हम लोग को मिल जाएगा ए क्रॉस बी ठीक है और नीचे की तरफ मिल जाएगा b क्रॉस a और b क्रॉस a को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं माइनस का a क्रॉस b तो इन इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा a क्रॉस b तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा a क्रॉस b के मॉड्युल से डिवाइड कर दिया या फिर माइनस ए क्रॉस बी भी हो सकता है तो उसका भी मॉड्युलस क्या आएगा ऑफ ए क्रॉस बी आएगा तो कभी भी ए वेक्टर और बी वेक्टर को कंटेन कर रही प्लेन के परपेंडिकुलर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो सीधे सीधे क्या निकाल लो मॉर्ड ऑफ सॉरी प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉर्ड ऑफ ए क्रॉस बी ठीक इस बात को एकदम अपने दिमाग में बैठा लो कि वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर जो होता है उसका डायरेक्शन किससे मिल जाता है आपको तो ए क्रॉस बी से ठीक और ये घर में भी सबको बताओ एक दो लोगों को फोन करके भी बता दो कि भाई जो ए क्रॉस बी वैक्टर होता है वो ए वैक्टर और बी वैक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है या फिर दूसरी तरीके से बोले कि ए और बी वेक्टर की जो प्लेन होगी ये उसके परपेंडिकुलर होता है ठीक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए बार बार मैं बोल रहा हूं ठीक चलो बाकी यहां पर जैसे कोई एम स्केलर है तो आप उसको बाहर निकाल के डायरेक्ट वेक्टर्स का क्रॉस ले सकते हो ना जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पैसे लिखाओ कि से टू ए वैक्टर क्रॉसर तो आप क्या करो नॉर्मली इन स्केलर्स को बाहर निकाल लो तो टू इंटू थ्री ये सब अंडर रेटेड पॉइंट है लेकिन यूज होता है कुछ लोग तो टू इंटू थ्री और अंडर फिर vectors का cross कर दो तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा सिक्स ए क्रॉस ठीक तो कभी भी ऐसे स्केलर दिख रहा हो वेक्टर में मल्टीप्लाई हो तो उसको बाहर भी निकाल सकते हो मतलब कॉमन वॉमन लेना चाहो तो बड़े आराम से ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना ऐसे मान लो सिर्फ टू होता टू ए वैक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो टू बाहर निकाल के ए क्रॉस बी कर देते हैं ठीक है चलो उसके बाद ये सिंपल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि ए क्रॉस बी प्लस सी लिखा हुआ है तो देखो ऑर्डर नहीं चेंज करना है ए अगर पहले लिखा हुआ है तो हर जगह फिर डिस्ट्रीब्यूट करने पर ए पहले ही आएगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है एक तरीके से कि ए क्रॉस बी प्लस सी लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्रॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा

प्लस सी क्रॉस ए ठीक तो मेरे ख्याल से ये तो सिंपल पॉइंट है सभी को क्लियर होगा चलो फिर पॉइंट अगर हम लोग तो वो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कहीं पर आपको दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस सी ठीक तो अब हम लोग ये सोचें कि इसमें हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना वैसे मत करना बचपन वाली चीज कि ए वेक्टर से ए वेक्टर कैंसिल कर दिया और बोल दिया बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर होगी एक पॉसिबिलिटी लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग बड़ी शराफत से सबको एक साइड लाएंगे तो क्रॉस क्रॉस सी ठीक अब आपको दिख रहा होगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऊपर वाली लगा दे तो इसी चीज को रिवर्स ऑर्डर में ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस अच्छा यहां पे जीरो भी हो जाएगा क्योंकि सबको एक साइड लाए जीरो लिखा है तो वो जीरो वेक्टर ही है तो ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो अब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ रहा है दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है हो सकता है कि वो वेक्टर्स जीरो वेक्टर हो तो दो वेक्टर वो कौन कौन से हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ए वेक्टर जीरो हो जाए दूसरी पॉसिबिलिटी ये है

कि अगर ए वैक्टर पैरल टू बी वेक्टर माइनस सी वैक्टर है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए वैक्टर इज लैमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ठीक है तो अगर ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी है तो इन तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है उससे हमें पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन सी बात सही हो रही है ना लेकिन ये तीनों पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में रहनी चाहिए ठीक तो ये एकदम सिंपल सी बात है आई होप क्लियर होगा ये कुछ चीज देखते हैं पहले मैं एक एक्सेस बना लेता हूँ तब तक आप सोचो कि कौन सी चीज क्या आएगी वैसे फिजिक्स में आपको पहले से ये सब पता होगा लेकिन फिर भी हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस बना लेते हैं यहाँ पर ऐसे और ये कुछ ऐसे चलो तो ये हो गई एक्स एक्सिस हो गई वाई एक्सिस और हम लोग राइट हैंडेड सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें जेड एक्सेस बाहर की तरफ आ रही होगी तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आपकी स्क्रीन में है और जेड एक्सेस ठीक इसके हमें यूनिट वेक्टर पता है कौन होता है I इसके अलाउंग कैप ठीक और ये ओरिजिन तो ये तीन तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि वेक्टर सेम है तो मतलब कि कहीं भी, भी आपको याद रखना है इन शॉर्ट कि ए क्रॉस ए क्या होगा जीरो होगा क्यों क्योंकि दो वेक्टर्स आपस में उनके बीच का एंगल एक तरीके से क्या होगा जीरो होगा यार फिर पैरल है हर वेक्टर खुद के तो पैरल हो गई तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा जीरो आएगा तो आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के ये सब कितने होंगे जीरो होंगे जबकि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के कितने होते थे वन होते थे ठीक अब आई क्रॉस जे देखते हैं तो आई क्रॉस जे जो वेक्टर होगा तो आई क्रॉस जे वैक्टर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आई क्रॉस जे वैक्टर एक ऐसा वैक्टर होगा जो आई और जे दोनों के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा ठीक और दूसरी बात मॉड्यूलस अगर देखो इनका आई क्रॉस जे का अगर आप सोचो तो मॉड आई मॉड जे और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है तो इस आई क्रॉस जे का मॉड्यूलस कितना होगा मॉड्यूलस होगा वन क्यों क्योंकि मॉड आई मॉड जे साइन नाइन्टी डिग्री ठीक है ये चलो अलग से देख ही लेते हैं ना जिससे कहीं भी किसी भी तरीके कोई कंफ्यूजन ना रहे जैसे अगर इसके हम लोग मॉड्यस की सिर्फ बात करें ठीक है तो वो कितना आएगा मॉड्यूल की बात करें तो मॉड आई मॉड जे और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल होता है नाइन्टी डिग्री तो साइन पाई बाई टू सब कुछ वन है तो इसका मॉड्यूलस कितना होगा वन तो आई क्रॉस जे का मॉड्युल होगा और हमें एक ऐसा वेक्टर सोचना है जो i कैप और j कैप दोनों के परपेंडिकुलर एक ऐसा यूनिट वेक्टर सोचना है ना क्योंकि मॉड्यूल हमें ऑलरेडी पता चल चुका है वन है तो वो यूनिट वेक्टर कौन होगा k कैप होगा होगा कि नहीं होगा भाई x एक्सिस एक्सिस और y दोनों के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है z एक्सिस होती है और z एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है k कैप होता है तो i क्रॉस j किसके बराबर आएगा k के बराबर आएगा i कैप क्रॉस j कैप किसके बराबर आएगा k कैप के बराबर आएगा ऐसे ही सेम लॉजिक से आई क्रॉस जे के बाद जे क्रॉस के जो होगा यानी कि आप वाई एक्सिस और जेड मॉडुलस वैक्टर आएगा और जो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा यानी कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो कौन होगा वो आई कैप होगा ठीक यहाँ पर आ जाएगा आई कैप और के क्रॉस आई जो होगा वो जे के बराबर आ जाएगा सिंपल लॉजिक से ठीक है कि आप एक्स एक्स और जेड एक्सेस में लोगे तो ये वाली आ जाएगी ना जैसे भी है आप अपना ऐसे बनाना कि ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है ना जेड एक्सेस बाहर की तरफ आपकी तरफ आनी चाहिए ठीक चलो तो तो आई क्रॉस जे के होगा जे क्रॉस के आई होगा और के क्रॉस आई जो होगा वो जे होगा ठीक ये पहली बात दूसरी बात कि आपको दिमाग में एक और चीज रखनी है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर के कैप ही लिखा है माइनस के कैप क्यों नहीं लिखा है क्योंकि जब आई से जे जा रहे थे तो हम पॉजिटिव जेड एक्सेस की तरफ आ रहे थे ठीक है लेकिन अगर आप जे से आई जाओगे तो आप नेगेटिव एक्स एक्सेस की तरफ आओगे मैं अपने रेफरेंस से हर बात बोल रहा हूँ ना कि जब आप जे से आई जाओगे तो आप नेगेटिव जेड एक्सेस की तरफ जाओगे तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई आपसे पूछे जे क्रॉस आई कितना होगा जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा माइनस के के बराबर होगा जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा माइनस के, के बराबर होगा ठीक है कि नहीं तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये साइक्लिक ऑर्डर आई जे और के और हम लोग ऐसे करके चलेंगे तो अगर हम लोग क्लॉक वाइज जाएंगे तो दो का क्रॉस लेंगे तो तीसरा मिल जाएगा

माइनस के कैप तो इस तरीके से आप चाहो तो याद रख सकते हो ना जैसे के क्रॉस जे है तो एंटी क्लॉक चले तो तीसरा वाला आएगा लेकिन माइनस के साथ तो माइनस आई कैप ठीक क्लियर है कि नहीं तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको क्लियर होंगी तो अब इन्हीं की हेल्प से जैसे हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का कैलकुलेट किया था वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं ठीक चलो तो जैसे मान लो कि दो वेक्टर हमें पता है ए है ए वेक्टर है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप और इसी तरीके से बी वेक्टर में बी वन बी टू बी थ्री है यही कॉम्पोनेंट अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो चलो कैलकुलेट करते हैं फिर एक इसका और तरीका समझ लेंगे ऑब्जर्वेशन से तो मान लो ए वेक्टर मैंने ले लिया ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप क्रॉस बी वेक्टर मैंने ले लिया बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप बाकी ऊपर वाली चीज हम लोग ऑलरेडी एक बार लिख चुके थे फिर से लिख लेते हैं आई क्रॉस जे के होगा जे क्रॉस के आई होगा और के क्रॉस आई जो होगा वो जे होगा ठीक चलो अब जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही मल्टीप्लाई करो तो देखो लेकिन हम लोग लिखेंगे थोड़ा डायरेक्ट हम लोग बड़े हो गए क्योंकि देखो, देखो सबसे पहले जब ये ए वन आई कैप को इन तीनों से मल्टीप्लाई करता है तो ए वन आई कैप क्रॉस बी वन आई कैप तो आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो हो जाएगा तो ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है अब देखो अगला वाला क्या ए वन बी टू कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाते हैं ए वन बी टू आई कैप क्रॉस तो भी बना लेते हैं यहां पर आई जे और के ठीक है ऐसे चलेंगे तो प्लस मिलेगा उल्टा चलेंगे तो माइनस मिलेगा हाँ तो देखो ए वन बी टू आई क्रॉस जे आई क्रॉस जे कितना होता है आई क्रॉस जे होता है के तो पहला टर्म आएगा ए वन बी टू और आई क्रॉस J आ जाएगा के कैप फिर तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करो तो ए वन बी थ्री आई क्रॉस के देखो एंटी क्लॉकवाइज आई क्रॉस के गए तो क्या मिलेगा माइनस जे मिलेगा तो माइनस का ए वन बी थ्री आई क्रॉस के कितना हो जाएगा माइनस हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं तो यहां पर क्या लिख दें जे लिखते हैं अब यही काम ए टू के साथ करते हैं तो चलो ए टू बी वन और जे क्रॉस आई जे क्रॉस आई मतलब उल्टा गया तो फिर से एक माइनस आएगा और जे क्रॉस आई किसके बराबर आएगा के के तो माइनस का ए टू बी टू ठीक है ना सॉरी ए टू बी वन ए टू बी टू वाला तो जीरो ए टू बी वन और जे और आई किया था तो माइनस का के आया था ठीक फिर ए टू का देखो ए टू बी टू जे क्रॉस हो जाएगा फिर क्या आएगा a2 b3 जे क्रॉस के तो जे क्रॉस के कितना होता है आई होता है प्लस का तो प्लस का आ जाएगा ए टू बी थ्री जे क्रॉस के कितना आ गया आई कैप आ गया अब लास्ट वाला बचा तो लास्ट वाले में क्या क्या आएगा प्लस का ए थ्री बी वन के क्रॉस आई के क्रॉस आई कितना होता है प्लस का जे होता है क्योंकि हम लोग क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो ए थ्री बी वन के क्रॉस आई कितना हो गया जे हो गया और फिर ए थ्री बी टू के क्रॉस जे क्रॉस जो उल्टा गए हैं तो माइनस का आई कैप आ जाएगा ना ये वैसे ना भी आपको बताते तो आपको ऑलरेडी पता है लेकिन इससे थोड़ा सी अपनी प्रैक्टिस हो रही है तो माइनस का ए थ्री बी टू के क्रॉस आई कैप आ गया और फिर लास्ट वाला के क्रॉस के ओके जीरो हो जाएगा तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखे एक बार तो आई कैप के साथ क्या क्या आया है जरा देखें तो आई कैप के साथ एक तो आया है ए टू बी थ्री ठीक है माइनस का ए थ्री बी टू यह आया है आई कैप के साथ जरा देखें कि माइनस जे कैप के साथ कितना आया तो ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन और जरा देखें तो प्लस के, के ये माइनस क्यों लिखा है भी आपको क्लियर हो जाएगा और देखें प्लस के के कैप के साथ क्या कॉमन आया है तो ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन तो ये आ गया ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट अब अगर थोड़ा बहुत आपको डिटर्मिनेंट का आइडिया है डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप इसी चीज को थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन से या फिर अगर आपसे क्या छुपाना हम लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिखा जाता है तो इसी चीज़ को बाई ऑब्जर्वेशन या फिर पता है ऑलरेडी कि डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी पाया जा सकता था बिना इतना सोचे कि इसको इससे क्रॉस कर रहे तो जीरो आएगा इसको इससे क्रॉस कर रहे तो माइनस जाएगा कि प्लस जाएगा ये सब बिना सोचे समझे हम एक डिटर्मिनेंट याद रखें जिसकी पहली रो में लिखें i कैप j कैप k कैप दूसरी रो में पहले वेक्टर के तीनों कंपोनेंट a1 a2 a3 और फिर दूसरी लास्ट वाली रो में दूसरे वेक्टर के तीनों कंपोनेंट यानी कि b1 b2 b3 लिख लें यही आपका a क्रॉस b होता है और इसको वैसे तो आप डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के वोट एक्सपेंड कर सकते हो उससे आंसर गड़बड़ नहीं होगा लेकिन अगर आपका आप आंसर जल्दी लाना चाहते हो तो हमेशा रो के करना तो पर लिखा हुआ है और के कैप के साथ क्या आएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन जो कि यहां पर लिखा हुआ है अब ए क्रॉस बी हम लोग ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे हमेशा कैसे कैलकुलेट करेंगे इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैलकुलेट

और फिर एक क्रॉस बी निकालने के बाद इसके मॉड्यूलर से डिवाइड कर देना मॉड्यूलर से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा कैप की वैल्यू मिल जाएगी है ना चलो उसके बाद एक लास्ट पॉइंट ये समझ लेते हैं कि जो कई बार यूज होता है तो हम लोग एक ड्राइव कर लेते हैं जैसे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर है जो ठीक है देखो इसको हम लोग बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हम लोग ने पढ़ा है क्या होता है थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा ये होता है और फिर उसका है होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर स्क्वायर थीटा अब सब बचपन की बात है कि साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को लिख लिया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है और ये देखो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करो तो मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस देखो माइनस क्या आएगा ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर थीटा का स्क्वायर तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का ए मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये क्या लिखा हुआ है ये तो कुछ जानी पहचानी चीज लग रही है मॉडे मॉड बी थीटा ये लिखा हुआ है ए डॉट बी तो ये क्या आ गया फाइनली मॉडे स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर ठीक तो ये आपको एज अ रिजल्ट याद रखोगे तो फायदा रहेगा रिजल्ट एक बार लास्ट में फिर से लिख लेते हैं कि इसको लेगरेंजेज आइडेंटिटी भी बोलते हैं कि मॉड ए क्रॉस बी का जो होल स्क्वायर होता है एक तरीका तो यही कि भाई नॉर्मली मॉड ए क्रॉस बी निकाल के मॉड निकाल के स्क्वायर कर दें या फिर कहीं कहीं आप देखोगे इससे काफी जल्दी आंसर आ जाएगा क्या है मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर ठीक है और वैसे इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पॉसिबल है कैसे इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो ए डॉट ए ठीक है ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर ही होता है फिर ए डॉट बी फिर बी डॉट ए और फिर बी डॉट बी ये भी वही चीज लिखी है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ए डॉट ए का 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 स्क्वायर 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 को लिख सकते हो तो 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 जब करोगे पर ये ये क्या लिखा 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 हुआ 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 है 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 जो वही आपको मिल जाएगा तो मेरे ख्याल से ए क्रॉस बी के बारे में हम लोग ने बहुत सी बातें कर ली है और अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए काफी हद तक रेडी है अब ये जोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल वगैरह निकालना है तो इनको हम एक क्वेश्चन की तरह समझ लो ट्रीट करेंगे कि मैं तुम्हें किसी ट्राइंगल की साइड्स के अला दो वेक्टर दे दूँ तो तुम्हें उन वेक्टर्स के टर्म में उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है मतलब सपोज कर लो कि एक ट्राइंगल कुछ बना ले हम लोग ऐसे ऐसे और ऐसे ठीक है तो ये ट्राइंगल है ए बी सी ठीक और ये मान लो इस साइड के हम लोग ने ले लिया बी वेक्टर ठीक ए सी के लॉन्ग और ए के सामने वाली साइड के ले लिया हम लोग ने कुछ ए वेक्टर ठीक है और ये एंगल कुछ बोल दिया थीटा तो अब हमें ये दिखाना है कि इन ट्राइंग, इन इस ट्राइंगल का एरिया हम ए वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म में किसी ना किसी तरीके से लिख सकते हैं ठीक है तो क्योंकि हमें साइड्स के दो साइड्स के अला वेक्टर पता है तो एक तरीके से उनकी लेंथ भी पता है मतलब तो जो बीसी लेंथ है बेसिकली बीसी के अलॉन्ग वेक्टर सी बी के अला ए वेक्टर है तो लेंथ वाइज तो ये कितना हो जाएगा बीसी मॉड ए के बराबर हो जाएगा और ऐसे ही लेंथ वाइज जो ये ए सी वो मॉड बी के बराबर हो जाएगा ठीक है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई लेंथ मतलब modulus. उसके बाद ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या किया हम लोग ने ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया है ना मतलब ए से बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये कहीं मान लिया हम लोग ने कि डी पर गिराया के और ये ए डी हाइट जो है उसको एच बोल दिया तो चलो पहले तो लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बेसिकली होगा क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है तो हाफ इंटू बी सी इंटू सही चलो उसके बाद अगर आप यहाँ पर देख पाओ तो ये जो AD है ये बेसिकली जो हो जाएगा अगर इस ट्राइंगल में आप देखो ट्राइंगल ए सी डी में तो AD किसके बराबर हो जाएगा ए सी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा या फिर आप डायरेक्ट लिख लो साइन थीटा किसके बराबर आएगा ए डी अपॉन ए सी आएगा ठीक तो साइन थीटा अगर ए डी अपॉन ए सी आएगा तो AD हो जाएगा ए सी साइन ठीक है और ए सी जो है यानी कि जो हाइट आ गई ट्राइंगल की जिसको ए डी हम लोग बोल रहे हैं वो कितनी आ गई ए सी था मॉड बी तो मॉड बी साइन थीटा ठीक ये आ गया अपने पास और बी सी हमें ऑलरेडी पता है मॉड ए के बराबर है तो ये कितना आ गया हाफ इंटू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एच एच यानी मॉड बीटा अब मेरे ख्याल से आप ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो गे कि ये क्या लिखा हुआ है थीटा ए वैक्टर और बी वैक्टर के बीच का हम लोग ने एंगल लिया है तो बेसिकली ये ए क्रॉस बी का मॉड लिखा हुआ है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बाई टू तो अगर दुनिया के किसी भी ट्राइंगल की साइड के अलोंग आपको दो वेक्टर पता है कोई भी दो वेक्टर पता है है ना तीनों पता होना जरूरी जरूर कोई भी दो वेक्टर पता है तो उन उससे बनने वाले का जो एरिया होगा वो कितना होगा हाफ क्रॉस है ना अब जैसे मान लो कि कोई ट्राइंगल दिया हुआ है कुछ ऐसे करके कुछ ये और कुछ ये है ना अब मान लो सपोज कर लो मैं तीनों साइड के लोग वेक्टर पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं मान लो ये ए है इस साइड के लोग ए वेक्टर है ये बी है तो इस साइड के सपोज कर लो कुछ बी वेक्टर है डायरेक्शन कैसे भी बना लो उससे खास एस सच फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ पर ये हम लोग ने कुछ ऐसे बना लिया कि ये सी वेक्टर है ठीक तो अगर कोई हम लोग से पूछे कि इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं तो कोई भी दो साइड के अला वाले वैक्टर उठा लो तो मतलब इसी ट्राइंगल का एरिया तुम ऐसे भी लिख सकते हो ए क्रॉस बी बाई टू तुम इसी ंगल का एरिया लिखना चाहो तो बी क्रॉस सी बाई टू का मॉड बाई टू भी लिख सकते हो ना क्रॉस बी का एरिया लिखना चाहो तो तीनों से ही आंसर सेम आएगा ठीक अब अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको क्लियर है तो मेरे ख्याल से एरिया ऑफ पैरलोग्राम आप बड़ी आसानी से सोच सकते हो कैसे मतलब क्या करना है अपने को कि अब हमें पैरोलोग्राम के जो नॉन पैरल साइड्स हैं, उसके अलोंग के वेक्टर दे रखे हैं मैं सपोज कर लो तो ये पैरलोग्राम थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं तो उसके लिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं साइड को पैरलोग्राम अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा अपने पास ठीक तो इसको कुछ नाम दे दिया ओ ए इस पैरोोग्राम का आपको एरिया निकालना है और आपको ये एक ए वेक्टर दे रखा है और एक ये बी वेक्टर दे रखा है ना तो पैरलोग्राम बनाने के लिए हम लॉ ऑफ पैरोग्राम में भी देख चुके हैं हमें दो ही वेक्टर की जरूरत होती है अब ये सभी लोग एग्री करेंगे कि अगर ओ ए वेक्टर है तो ये बी सी भी कितना होगा ए ही वैक्टर होगा और ये अगर ओ बी बी वैक्टर है तो ये ए सी भी बी वेक्टर होगा ठीक तो अब पैरोलोग्राम का एरिया हम लोग को निकालना है हम लोग वेक्टर की हेल्प से ट्राइंगल का एरिया निकालना जानते हैं अब लोग ने क्या किया कि पैरलोग्राम को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लिया अब देखो कितनी आसानी से एरिया आ जाएगा क्यों आ जाएगा क्योंकि एरिया ऑफ पैरलोग्राम जो होगा वो किसके बराबर होगा ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया प्लस ट्राइंगल ए सी बी का एरिया ट्राइंगल ओ ए बी में हमें दो साइड्स के वेक्टर पता है ओ ए और ओ बी के अला तो ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया कितना हो जाएगा ए क्रॉस बी बाई टू और ट्राइंगल ए के में भी दो साइड के लॉन्ग वेक्टर पता तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा ए क्रॉस बी मतलब मॉड बोल नहीं रहा हूँ वो बाय डिफॉल्ट है ना मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बाई टू तो यानी कि एरिया ऑफ पैरलोग्राम ओ ए कितना आ गया फाइनली अपने पास मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ठीक है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया आया था अपने पास हाफ ए क्रॉस बी और जो पैरलोग्राम बनेगा उसका एरिया आएगा ए क्रॉस बी और मॉड तो है ना ऑब्वियसली एरिया एक स्केलर स्केलर मतलब ए क्वांटिटी हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो आएगा हाफ मॉड ए क्रॉस बी और यहाँ पर आया है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अब मान लो तुम्हें इस पैरोलोग्राम की साइड के अलॉन्ग वैक्टर ना देख के पैरोोग्राम के डायगनस के लॉन्ग वैक्टर दे दिए जाए तो एरिया कैसे निकालोगे तो चलो वो भी सोच लेते हैं कि कैसे निकाला जा सकता है कि मतलब कि एक पैरोग्राम अगर हम लोग बना ले पहले जल्दी से तो ये मान लो ऐसे ये ऐसे ये कुछ ऐसे और ये सपोज कर लो कुछ ऐसे ठीक अगेन पैरोग्राम बढ़िया नहीं बना तो पहले बढ़िया बना लेते हैं इसको जल्दी से तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ठीक तो चलो अब हमें क्या दिया हुआ एक बार फिर से समझ लेते हैं हमें दिए हुए हैं अब की ये दो डायगनल दिए हुए हैं इन डायगोनल्स के अलोंग वेक्टर दिए हुए हैं अपने को ठीक तो क्या किया जाए देखो बहुत सिंपल है पहले कुछ नामकरण कर दिया जाए तो ये हो गया O A C B ठीक तुम्हें दिया हुआ है ये D1 वेक्टर और ये दिया हुआ है D2 वेक्टर ठीक है तो बेसिकली OA वेक्टर जो है वो d1 वेक्टर के बराबर है और ob वेक्टर जो है या ob वेक्टर डी सॉरी ob वेक्टर तो बराबर लिख दिया ac ab वेक्टर जो है वो किसके बराबर है इनफैक्ट पूरा ही गलत लिखा है एक बार इसको सही कर लेते हैं oc वेक्टर जो है वो d1 वेक्टर के बराबर है है ना अब सही है oc वेक्टर इक्वल टू d1 वेक्टर और ab वेक्टर इज इक्वल्स टू d2 वेक्टर तो अगर इन डायग्नल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कुछ P बोल दें और तुम ये बताओ कि डायगनल्स ऑफ पैरोग्राम जो है वो बाइसेकट करते हैं ये सभी को पता है ठीक शहर के हर बच्चे को पता है तो तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर ओ सी वैक्टर डी वन वैक्टर है तो P जो है वो ओ सी का मिड पॉइंट होगा तो जो ओ पी वैक्टर होगा वो किसके बराबर होगा वो डी वन वैक्टर बाई टू के बराबर होगा सिंपली ठीक है क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन सेम है बस मैग्नीट्यूड जो है वो हाफ हो गया तो डी वन वेक्टर बाई टू हो जाएगा ऐसे ही ए पी वेक्टर जो है वो ए पी जो है वो ए बी का भी मिड पॉइंट है तो AP वेक्टर जो हो जाएगा वो डी टू वेक्टर बाई टू हो जाएगा ठीक अब हम लोग को ये पता है कि पैरोलोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं उसको चार इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं तो बेसिकली जो एरिया ऑफ पैरलोग्राम हो जाएगा हम लोग वो बोल सकते हैं कि फोर टाइम्स एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी के बराबर होगा क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आपसे ध्यान रखना कि जो पैरलोग्राम होता है उसके जो डायगनल्स हैं वो पैरलोग्राम को चार बराबर ट्राइंगल में बराबर एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं ठीक तो इसी थीम को यूज करते हुए अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एरिया जो हो जाएगा वो फोर इन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी हो जाएगा और ओ ए पी के अलोंग हमें दो वेक्टर्स पता है तो पहले तो चलो इसको ऐसे लिख लिया ओ ए पी ट्राइंगल के अलोंग अगर का एरिया लिखना है तो ओ पी क्रॉस ए पी बाई टू लिख सकते हैं ना ट्राइंगल का एरिया तो हमें लिखना अभी अभी सीखा है तो ये कितना हो जाएगा टू से टू कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा ओपी वेक्टर किसके बराबर है डी वन वैक्टर बाई टू क्रॉस डी टू वैक्टर बाई

बाकी आपने फिजिक्स में कई एप्लीकेशन देखे होंगे क्रॉस प्रोडक्ट के है ना एंगुलर मोमेंटम को जैसे कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है मुझे याद नहीं लेकिन शायद आई क्रॉस ओमेगा होता है कुछ J जो होता है तो वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट की अपने को जरूरत पड़ती है और भी आपने काफी एप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट के फिजिक्स में देखे होंगे मेरे ख्याल से इस लेक्चर की बातें आपको सभी क्लियर होंगी हम लोग ने क्रॉस प्रोडक्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जैसे डॉट प्रोडक्ट वाले में हम लोग ने कॉस ए प्लस बी के फॉर्मुले वगैरह प्रूफ करना देखा था तो अगर टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइन ए प्लस बी टाइप के फॉर्मुले कैसे क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें थैंक यू वेरी मच